चैनल गाइज, आज मैं आई हूँ ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को आज ये दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो प्यार मोस्टली जो वैलेंटाइन डे होता है वो प्यार को लेके ही कहा जाता है। बाकी हमारे भगत सिंह जी को उस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ प्यार के ऊपर बनाने वाली हूँ। देखेंगे, लोगों से पूछेंगे कि प्यार उनकी नज़र में क्या है, वो प्यार किसे कहते हैं। तो आज हम ये भी लेने वाले हैं, मेरे साथ निक्की राणा है, तो मोस्टली निक्की राणा ही पूछेंगी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं उनके नज़र में प्यार क्या है। हेलो गाइस, मेरा नाम निक्की राणा है और आज मैं पब्लिक रिव्यू लेने वाली हूँ कि उनकी नज़र में प्यार क्या है। मेरे साथ पूजा भगत है और मैं निक्की राणा, आज हम पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं। तो गाइस, पहले सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में प्यार क्या है, मैं प्यार को लेकर क्या फील करती हूँ। दोस्तों, प्यार वो है जिसको महसूस कर सकते हैं। प्यार मेरी नज़र में वो है जिसको महसूस करा जाए, जो एक एहसास हो जाता है। प्यार वो है जो चोट लगे उसे और तकलीफ़ मुझे हो, चोट मुझे लगे और तकलीफ़ उसे हो, प्यार मेरी नज़र में ये है। और अगर वो छोड़कर भी जाता है तो उसकी खुशी के लिए उसको भी स्वीकार लो। मेरी नज़र में प्यार ये है कि उसकी खुशी में ही खुश रहना, उसको प्यार कहते हैं। फीलिंग है, अगर समझ पा रहे हो जी। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ भी नहीं है जी। एंड एक अंडरस्टैंडिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्यूटनेस। ओके, थैंक यू मैम। आपकी नज़र में प्यार क्या है? प्यार वो है जिसमें हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, और मतलब प्यार में ऐसा होता है कि मतलब एक दूसरे से अटैच हो जाता है एक दूसरे को, मतलब भी। और प्यार में कुछ हमारी मतलब अंदर वो होती है ना, क्या होती है जैसे कि कोई टेंशन वगैरह होती है, हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको अपना शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बात सकते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं, उसको प्यार कहते हैं। ओके, थैंक यू। प्यार क्या है? प्यार दो लोगों के बीच में अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो प्यार बहुत बढ़िया चलता है, अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में तो बड़ा कंबरसम हो जाता है। ओके, आपकी नज़र में प्यार क्या है? प्यार एक धोखा है, संभल जाओ मौका है। अरे यू क्या इन्होंने बोला? प्यार, प्यार के कई मायने होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटे का, माँ बाप का, बच्चों के लिए, ठीक है। प्यार हर तरीके से आदमी अपना अपना जताता है, ठीक है। तो प्यार हम अपने बच्चे को किस तरीके से प्यार करते हैं, ठीक है। प्यार शब्द बहुत बड़ा है अगर मानो तो, ठीक है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। तो आपकी नज़र में प्यार ये है? ओके, थैंक यू मैम। गाइस, हमने मैम का रिव्यू लिया है कि इनकी नज़र में प्यार क्या है। अब हम मैम के हस्बैंड से पूछते हैं कि वो प्यार को कैसे फील करते हैं। दोस्तों चल दो। ओके सर, हाय। सर, आपकी नज़र में प्यार क्या है? प्यार एक एहसास है जी सर, एक चीज है जो एक दूसरे के लिए आदमी के अंदर। ओके, थैंक यू। आपकी नज़र में प्यार क्या है? कुछ नहीं है, ये धोखा है। कोई लड़की एक साथ थी मुझे धोखा दे के जाती है। अच्छा, यानी कि इनको हमेशा धोखा मिला है प्यार में? आपको हमेशा धोखा मिला है? यस मैम। ओके, आपकी नज़र में प्यार क्या है? बेसिकली वी बोथ आर मैरिड कपल एंड वी जस्ट मैरिड इन अ मंथ अप्रैल लास्ट ईयर, सो आई कैन से दैट कि इफ यू अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पार्टनर, इफ यू अंडरस्टैंडिंग योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड व्हाटएवर, then love is not defined in a boundaries, so it's too much far away from boundaries, so we can say that to understanding each other and to know what the like and dislike of another person, so as all these things is love for me. Sir, thoda sa hindi mein bhi. Okay, so mere liye kya hai ki jaise main apni wife ko samajhta hu, unko kya pasand hai kya nahi, ya wo mujhe samajhte hai, ek dusre ko wo cheez samajh ke apni life ko adjust karna ki ha unko ye pasand hai to mujhko ye pasand hai, un sab cheezon ko dekhte hue, kyunki कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, सकता है उनमें कुछ कमी हो, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करके चीज़ों को चलाना, लाइफ को एडजस्ट करना और मेंटेन करके लाइफ को आगे बढ़ाना ही मेरे लिए प्यार। सर, आपका नाम क्या है? ये रजत शर्मा, ये अनमोल शर्मा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आप दोनों के लिए सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। हमने जाना प्यार के बारे में, लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया है, निक्की राणा ने भी अपना रिव्यू दिया,
अच्छा था। मैं भी अपना रिव्यू देना चाहूँगी। मेरी नज़र में जो गाइस प्यार है ना, प्यार मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो लड़का लड़की का प्यार अलग होता है, माँ बाप का अलग होता है, भाई बहन का अलग होता है, हर रिश्तों का अलग होता है, यहाँ तक कि हम किसी सामान से भी प्यार कर सकते हैं। तो प्यार अगर लड़का लड़की की बात की जाए, प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसे पालो। प्यार का मतलब ये होता है गाइस, लड़का लड़की की बात कर रही हूँ, स्वतंत्र छोड़ दो, आपका प्यार है आपके लिए ईमानदार रहेगा। कब्जा करना प्यार नहीं होता, बस स्वतंत्र छोड़ दो, उसे कहते हैं प्यार। माँ बाप का प्यार तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, भाई बहन का प्यार तो ऑब्वियसली सभी जानते हैं। किसी सामान से भी प्यार हो सकता है, किसी की कोई चीज़ फेवरेट होती है, किसी की कोई चीज़ फेवरेट होती है तो वो भी प्यार ही होता है, क्योंकि हमें उससे प्यार है इसलिए हमारी वो चीज़ फेवरेट है। कोई खाने का सामान भी होता है, हमें उससे भी प्यार होता है कि हमारा ये सामान खाने का है और मुझे उससे बहुत प्यार है। तो मेरी नज़र में प्यार ये है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाकी आप सबको एडवांस में वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, और बाकी आप सबका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा हो। जो जोड़ी हैं उनका सेहत सलामत रहे, जिनकी जोड़ी नहीं बनी है उनकी जोड़ी बन जाए वैलेंटाइन डे के लिए। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भगत सिंह के लिए भी आप थोड़ा कुछ सोचें। उस दिन हमारे भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उनके लिए। और बाकी गाइस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, उसके साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबाना, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।